Oh,
पर इतने लोग होकर सिर्फ एक आदमी से मार कैसे खा गए? तुम इतने बड़े गिरोह के सरदार और आका, तुम्हें डूब मरना चाहिए। सही बात है भीकू, ये रेलवे का डाका कितने दिनों से और कितनी मेहनत से प्लान किया था मैंने, लेकिन इस आदमी ने मेरे किए पर पानी फेर दिया। लेकिन वो कौन है कुछ जानते हो? जानता क्यों नहीं, जब तक इस कमीने का निशान न मिटा लूं मैं चैन न लूंगा। शाबाश राका, इसे रास्ते से हटाए बिना अपना सारा व्यापार चौपट हो जाएगा। नहीं होगा, इसे तो सिर्फ नजरों से भस्म कर दूंगा। इन चूहों से घबरा गए तो बन चुके बड़े आदमी। हाँ, एक प्लान सूझी है राका। बताओ। रत्नगिरी गांव में मंदिर है, जो उस मंदिर की देवी के सर पे बहुत कीमती पत्थर वाला एक मुकुट है। रत्नगिरी गांव में देवी थाम और हम ठीक है। राखा, इस मुकुट में लाखों रुपए का हीरा लगा हुआ है, क्यों ना हासिल कर ले हम लोग। सुनो, हफ्ते भर के अंदर मुकुट अगर ले आओ तो। जानता हूँ राखा जो बात कहेगा निभाएगा। अगर तुम उसे ले आओगे तो आधा तुम लोगे और आधा मैं लूं।
मारो। बोलती है कि नहीं? कौन है तू? पहले तुम इसको बाइज्जत छोड़ो। मौत मांगने की कोशिश मत कर, भाग। न मानू तो बस इतना काफी है, भाग जाओ अब, जाओ। मेरे लिए तो इस वक्त जैसे देवता बनकर आए हैं। अरे नहीं रे, तुम इन गुंडों में कैसे फंस गए? ये लोग मेरे न्याय प्रिय पति को हमारे घर पे ढूंढने आए थे, उन्हें न पाकर उन्होंने मुझे पकड़ा और परेशान करने लगे। तो इन कमीनों के साथ जो कुछ हुआ है ठीक ही हुआ है। अब चलो तुम्हें घर छोड़ा। नीलू पापा 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 जानते हो आज क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? अच्छा अच्छा रहने दे बहाने, सुबह से गई अब आ रही है। अरे वो तू घायल कैसे हो गई? मामूली से घाव और इतनी परेशानी माँ? ये मामूली घाव है, देखो तो कितना खून बह रहा है। प्यारी माँ घाव से खून नहीं तो और क्या निकलेगा? ए सुन, तू बनाना नहीं छोड़ेगी? मैं तुम्हारी इन सब हरकतों से तो घबराती हूँ। तुम हमेशा डांटती हो माँ। सुनो बेटी, तुम्हारी माँ तुम्हारा मुंह देखकर ही तो जिंदा है। तुम्हें अगर कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ भी नहीं बचेगी। और ये आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं पापा, उधर नदी में नहाते वक्त मगर ने पकड़ लिया। हाँ? मगर ने? हाँ माँ, उसकी बोटी बोटी कर दी। बहती नदियों के मगर और पहाड़ों में छिपे डाकुओं से यह रत्नागिरी बर्बाद है। शाबाश नीलू, मुझे पूरा भरोसा है कि सुख और शांति के दिन अब दूर नहीं है। आशीर्वाद रहे पापा। भगवान पे भरोसा रख। सो तो है ही, मगर आपका त्याग भी कम नहीं। कितना कष्ट बर्दाश्त किया जानती हूँ, लाखों जन्मों में भी आपका यह एहसान नहीं उतरेगा। सुनो लक्ष्मी, तुम मुझे इतना सराहोगी तो आना छोड़ दूंगा। बाबा खुद तुम ना आओगे तो उठाकर जबरदस्ती ले आऊंगी। तुम ये कर सकती हो। बाहर कुछ झगड़ा हो रहा है, मैं देखती हूँ अभी। ए नीलू, 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 समझे? अपनी चेली को कमजोर मत समझिए, बिजली है। खैरो रजनी, बहुत नशा हो गया तो दिमाग ही बेकार हो जाएगा। अरे नहीं सरदार, पूरा मजा रहेगा। थोड़े मजे के बाद और मजा मांगोगी। तो क्या हुआ, और हो जाएगा? छोड़ो, इस वक्त तो सिर्फ मुकुट के बारे में सोच रहा हूँ। जो सौदा हो गया है उसके मुताबिक मुकुट भीकू तक पहुँचाना पड़ेगा। जरा सी बात है सरदार, इतनी हैरानी क्यों? हुकुम दो सरदार, एक मिनट लगेगा मुकुट लाने में। रेलवे के डाके में हम लोग धोखा खा गए थे, लेकिन अब हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। मंगू गंगू सब लोग ध्यान से सुनो, हम लोग कल रात को मुकुट के लिए मंदिर पर हमला करेंगे। मेरी खास जरूरत है। क्या खास बात है? हाँ, रत्नागिरी की सड़क पर तुम डांस करोगी, गांव के लोग तुम्हारे डांस में मस्त हो जाएंगे। एक चुटकी बजाते मुकुट मेरी मुट्ठी में, कैसा प्लान है? ओ, क्या बात है सरदार, तुम अगर कहो तो मैं सारी जिंदगी ना सकती हूँ। Thank you.
मिस्टर। पिस्टल दो। क्यों? हमारे होटल में शराब भी मिलती है, पीने के बाद कोई झगड़ा ना हो इसलिए यही दस्तूर है हमारा। वापस जाते वक्त पिस्तौल मिल जाएगी। आओ लगाओ, आए तो रुपया जाए तो ध्वनि, आओ राजा लगाओ, दोस्तों थैली भर लो, लगाओ राजा, आ जाओ राजा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ राजा, हां ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ राजा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ ये राजा, आ जाओ, आ जाओ, ये आ ये साथ खाली राजा, ये साथ, हां ले आओ, ये माल मेरा, हां ये देखो राजा, हां ये आ गया, हाथ ताले ये मेरा, ये मेरा, हां आ गया, आ राजा लगाओ, राजा क्या राजा लगाओ, ओ नमस्ते राजा, जाओ राजा गंगू लगाओ, राजा माल लगाओ और माल जीतो, जीतो माल लगाओ राजा, हां लगा दो राजा, ठीक है लगाओ राजा, लगाओ और लगाओ, लीवर के लगाओ राजा, लीवर के लगाओ, छह खाली राजा, छह ओके अच्छे चुप, बोल छह नहीं चार क्यों, छह है चार है, अरे वो छह चार है, बोलो सब लोग, बोलो चार है चार है चार है, चार है। गंगू ये क्या न्याय है, ये नंबर चार नहीं छह है। Gostel. जाओ अब संभल कर निकल जाओ, जाओ ए, मैं चार कहूं तो चार है, पांच कहूं तो पांच है, पांच है, ए, मैं तुम्हें देख लूंगा, शर्म कर गंगू डूब मर, मैं चार कहूंगा तो चार होगा, पांच कहूंगा तो पांच होगा, सुना इस इलाके में आज तक किसी ने मुझे नहीं ललकारा था,
अब मैं इसे खत्म करके ही दम लूंगा। मच्छर कुचलने आप जाएंगे सरदार, हमें हुक्म दीजिए। तो जाओ, कल सुबह होने से पहले उसकी लाश पेश करो। जाओ। तुमने एक सोते हुए शेर को जगाया है। ए, चार कहूं तो चार होगा, पांच कहूं तो पांच। मंदिर से माता का मुकुट डाकू ले भागे। मंदिर से डाकू मुकुट ले भागे। मंदिर से माता का मुकुट डाकू ले भागे। ये देखो, रात पहरा किसका था? मेरा। तुमने उन लोगों को देखा? हाँ। कितने थे वो लोग, कैसे थे? कुल चार, एक की आंख जख्मी थी, एक घोड़े पे मैंने निशान लगा दिया। कल तक मुकुट ढूंढकर देवी को ना पहना, तुम मेरा नाम नहीं लो नहीं। जग्गी, तुम्हारी मोहिनी आई हुई है। हैं? मोहिनी आई है? हाँ। कहाँ है? इस वक्त उस होटल में है। ऐसी बात है तो ये मुकुट ये को देकर पैसे ले आओ। ठीक है, मैं वहीं इंतजार करता हूँ। चलो। इस होटल के मालिक आप हैं? क्यों, क्या है? बाहर खड़े घोड़े का मालिक कौन है? तुमसे मतलब? बताऊं क्या? कहाँ है वो? वहाँ है,
ऊपर है। खबरदार, कौन हो तुम? कहाँ है मुकुट? मुकुट? मैं समझा नहीं तुम क्या कह रही हो। अच्छी तरह समझाओ। मेरे पास नहीं है, भीकू के पास है। कौन भीकू? कहाँ रहता है? कनकपुर। अगर इसमें कोई चाल हुई जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मर जा। मेरे हवाले कर दो। क्या उठा ले? दिल का खिलौना मुस्कुरा।
नहीं क्यों रे हंसता देख के दिल का खेलो ना मुस्कुरा एक कदम भी आगे बढ़ाया जान से मार। कौन है तू? तुमसे मुकुट लेने आई। जिसने मुकुट भेजा है उसी ने मुझे भेजा है। राखा ने भेजा है तुम्हें? बकवास बकवास कुत्ते नीच मुकुट दे दो। ना दू तो चीर के रख दूंगी। तो काट के रख दूंगी। धोखा दगा बाबा। बाबा एक सवाल पूछूं? पूछो बेटी, मन की बात मेरे सिवा और किससे पूछोगी? ये पांव कैसे टूटा बाबा? मोती, ये सवाल मत पूछ। ये एक दुख भरी कहानी है। ना बताओ, क्योंकि तुम्हारी बेटी मैं नहीं हूं ना। मोती, ऐसा मत कह। तेरा ही मुंह देखकर तो जिंदा हूं। तुम तो यतीम ही हो गई थी। तुम्हें छोटी सी बच्ची को लेकर अपनी ही बेटी समझकर तो पाला है। बेटी हूं तो टालते क्यों रहते हो मुझे बाबा?
बताता हूं, एक अरसे से कौन सा खून अंदर ही अंदर मुझे खा रहा है बताना। जवानी के दिनों की बात है ये, उस लड़की से मुझे प्रेम हो गया, वो भी मुझ पर जान देने लगी। दोनों नदी किनारे एक दूसरे से मिलते और कभी न बिछड़ने के बाद एक रोज इतनी दूर भाग सकते हो मुझसे? इतनी दूर कि तुम कभी न पकड़ सकते। चुप पकड़ी, ऐसा मत कहो, जानती तो हो कि तुम्हारे बगैर मैं एक पल भी नहीं जी सकूंगा। हाँ क्यों, ऐसा भी क्या? रूठ गए क्या? सुनो जय, दिल तुम्हारा हो चुका है, कुछ दिनों में ये जिस्म भी तुम्हारा हो जाएगा। माँ का आशीर्वाद ले ले, बस फिर तो तब तक तो। लक्ष्मी, उस रोज का अब और इंतजार नहीं होता। मेरा दोस्त राका उधर इंतजार कर रहा होगा, मैं अब जाऊं ना। कब मिलोगे फिर? कल, यही। राका, ओ, आ गए तुम। क्या बहुत देर लग गए? खैर छोड़ो, तुम्हारा काम ही ऐसा था, चलो। राका कुछ भी कहो, मेरी किस्मत अच्छी। कैसे? तुमसे प्यारा दोस्त मिला और देवी जैसी लक्ष्मी मिल गई है। सच जी भर के खूबसूरत है तुम्हारी लक्ष्मी। देखना, दिल में लक्ष्मी को बिठाकर उसकी पूजा करूंगा मैं। अरे रे रे, क्या हो गया? अरे छुरी भूल आया उधर मैं। चलो ले। तुम नहीं, तुम्हें लक्ष्मी मिल गई तो वहीं रह जाओगे। तुम चलो, मैं लेके आता हूँ। अच्छा, मैं मोड़ पर रुकता हूँ, तुम जल्दी आ जाना। ठीक है, चलो तुम। जय तुम्हारे पास गया है। लेकिन मैं तुम्हारे पास हूँ। Thank you.
टूट के रह गई। राका की दरिंदगी मासूम लड़की को तबाह हो बर्बाद कर गई और वो गर्भवती हो गई। उस दिन से भाई मानने लगी मुझको वो। लक्ष्मी पर किए गए जुल्म का उस वैशी राका से मैं बदला लेकर ही छोड़ूंगा। इसीलिए नीलू को मैंने लाए की खूब शिक्षा दी। अब नीलू से ही कुल उम्मीदें वाबस्ता है। देखें क्या होता है। इतना दुखता जख्म दिल में छिपाए बैठे हुए हो बाबा। आज इस जख्म को मैंने फिर हरा कर दिया बाबा। क्षमा करना मुझे। नहीं रे, नहीं। ये राज तुम्हारे और लक्ष्मी के सिवा कोई नहीं जानता मोदी। वचन दो कि तुम भी किसी को नहीं बताओगी। हाँ, नीलू को बिल्कुल ही नहीं। अच्छा बाबा, चलो बाबा रोटी खा ले।
नीलू, मैं अमर हूँ। तुम हो? तो क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? हाँ, दोस्तों की हिफाजत के लिए पीछा करता हूँ। हिफाजत की किसको जरूरत है? नीलू, मुझे गलत मत समझो, तुम इन डाकुओं में फंस गई तो ये तुम्हारा खून पी जाएंगे। खून पीने वालों के लिए मैं चंडी भी बन सकती हूँ। ठीक है, ले आई हो क्या मुकुट? तुमसे मतलब? नीलू, देवी माँ हम सभी की है। तुम्हें इतनी फिक्र है तो कल मंदिर आओ। कल क्यों, अभी चलता हूँ। उतरी क्यों? प्यास लगी थी इसलिए, ये भी सब बताना पड़ेगा। अरे बाबा चल ना। ए, मैं चार कहूं तो चार, पांच कहूं तो पांच, तू कौन था बोलने वाला? समझे बेटा, तुम बड़े हीरो बन गए थे, अब समझे? मैं चार कहूं तो चार, पांच कहूं तो पांच। ए, पेड़ पे चढ़ के बंदर की तरह क्या नाच रहा है? उधर नीचे बताऊं चार पांच। अमर, मैं चार कहूं तो चार, पांच कहूं तो पांच। राका, धोखा क्यों किया मेरे साथ? बिल्कुल, किसी और के साथ तो धोखा मैं कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें कभी मैंने आज तक न धोखा दिया है और न कभी दूंगा। बिगड़ो नहीं, रहने दो रहने दो। तूने 5 लाख लेकर मुकुट दिया, फिर उस लड़की को भेजकर मुकुट फिर हत्या लिया। हे बकवास, मैंने इतनी मेहनत से मुकुट भेजा और तूने एक पैसा नहीं दिया। बताओ क्या हुआ मेरे उन आदमियों का जिनको मैंने तुम्हारे पास मुकुट देकर भेजा था? झूठे बहानों से बच नहीं सकते राका, कान खोलकर सुन लो। ये भीखू दोस्तों का दोस्त है और दुश्मनों का दुश्मन। भीखू, पहचान है मुझे, राका भी कॉल से नहीं फिरता। ठीक से बताओ क्या हुआ है? तो कहां है वो मुकुट? तुम्हें भेजा था। मांगता हूं, पहले भिजवा दिया फिर लड़की को भेजकर मंगवा लिया। मैंने? जरूर कोई धोखा है। कौन थी लड़की? लड़की बिजली थी। बिजली? वो जरूर रत्नागिरी की होगी। तो भीगो, चलो चलकर फैसला भी कर ले। चलो। ए गंगू, तेरी मौत आई है क्या? अभी बताता हूं बेटा। इस गधे का पीछा छोड़कर मेरी हो जा, मैं मजनू हो जाऊं, तू मेरी लैला हो जा, मैं मर जाऊं। मैं चार कहूं तो चार है रानी, पांच कहूं तो पांच। एक अंगू, चल मेरी रानी। गंगू बदमाश, छोड़ो, बड़े आए मजनू कहीं के। सुनो, तुम अगर मजनू हो तो मेरी एक शर्त पूरी करो। मैं शर्त पूरी करूं? बोलो। तुम मुझसे ज्यादा बहादुर हो, ये साबित करके दिखाओ। तुम्हें तो मैं यूं उठा लूं, ये लो। भला ऐसे थोड़े होता है। फिर कैसे? आह 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 आह
बोलो क्या काम करूं? ये सेब है ना, मैं सर पे रखती हूँ इसको, तुम मुझे बचाकर इसे उड़ा दो। चलो अब ये सेब सर पे रखो। अब देखना गोरी, सुनो अगर चार कहूँ तो चार, मैं पांच कहूँ तो पांच। चलाओ। तुमने समझा क्या है मुझे? जानती नहीं हो, मैं चार कहूँ तो चार, पांच कहूँ तो पांच। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं चार कहूं तो चार, पांच कहूं तो पांच। ए गंगू क्या हुआ, तुम्हें किसने भागा? जिसकी मौत आई है। कौन है वो? बताता हूं, मुकुट की वजह से यह हाल हुआ है। मुकुट किसके पास है? नीलू और उसके साथी के पास। अब तुम ककीमा बना के ही मुझे चैन आएगा, समझे? गंगू अब लड़की किस तरफ गई है बताओ। बताऊंगा, पहले उस लड़के से मैं प्यास बुझाऊंगा और फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके कौओं को डाल दूंगा। मैं चार कहूं तो चार, पांच कहूं तो पांच, जानते नहीं वो? ए, क्यों आऊंगा ढींगे हाँक रहा है? लड़की किस तरफ गई है बता, बता। बताओ अमर, ये ठंडी ठंडी हवाएं, मौसम बरसात का, कुछ महसूस नहीं होता? कुछ हो भी तो क्या फायदा? क्यों? तुम्हारा मन जाने बिना तुम्हें साथी कैसे मान लूं? मेरा मन तो माँ भी नहीं जानती, वो मुझे लड़की नहीं बिजली समझती है। माँ ठीक ही समझती है, तुम हो ही बिजली। मगर दुश्मनों के लिए, लेकिन भले लोगों पर प्राण भी दे दूं। अमर मैं समझती हूँ हम दोनों खूब साथी रहेंगे, बिजली और बादल की तरह। क्यों? वो नहीं, अजी वो जैसे दो आत्माएं। नीरू बारिश रुक गई, चलो निकल चले, चलो निकल चले। कैसे निकलूं? ठीक है, मैं आंखें बंद करता हूँ, तुम कपड़े उठा लो। Thank you.
रतन, अरे 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 रतन, अरे ये क्या हो रहा है? मैंने सोचा था नीलू नहीं आई तो फांसी लगा के मर जाऊंगा। क्या क्या मुकुट लाए? लाई हूँ। तो लाओ, मैं ले जाता हूँ। एक काम करो, जाकर माँ को बताओ। अरे माँ को क्यों, पूरे गांव को बताऊंगा। बाबा बाबा, कौन सा भोग गया? क्या हुआ? राखा, बिखू और गंगू ने लक्ष्मी को मार डाला। नीलू आ गई है, क्या जल्दी से बुला ला। हाँ। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी, ये क्या हो गया लक्ष्मी? अपनी गुरु दक्षिणा मांगता हूं मैं। दूंगी बाबा, दूंगी मैं। मांगो बाबा, संसार की हर चीज तुम्हारे कदमों पे रख दूंगी। मांगो बाबा, मांगो। कातिल का तुम सर लाके दो मुझे। वो लोग हैं राका, भीकू और गंगू। कहां मिलेंगे बताओ बाबा, बताओ कहां मिलेंगे वो? तुम्हें इन कातिलों का पता तो खुद ही ढूंढ निकालना होगा।
इनका कोई एक ठिकाना नहीं हो। मुझे कसम है अपनी माँ की, जब तक इन सबको ना मार लूंगी चैन से नहीं बैठूंगी। आगे मैं भी तुम्हारे साथ। ये मेरा साथी मामला, इसे मैं खुद ही निपटाऊंगी, अपने प्राण दे दूंगी। नीलू, ए नीलू, मैं आऊं? कोई नहीं, ये बात झूठी, मैं जरूर आऊंगा, तुम अकेली नहीं जाओगी। लेने लड़की आएगी, लड़की होकर इस कदर हिम्मत उसमें है? सांप के सर पे पांव रखने का हश्र क्या होता है? बेवकूफ लड़की को मालूम नहीं है शायद, ये मैं बताऊंगा उसको। सरदार, इस आग को लगाने वाला वही अमर है। अमर? हाँ वही, रेलवे के डाके में भी उसी ने गड़बड़ की थी। हाँ। क्यों ना पहले इसी को देख ले। हाँ, बहुत अच्छे, पहले वहीं से शुरू करते हैं। सुनो, ये आप मुझ पर छोड़िए, इस तरफ जो भी आएगा साफ कर दूंगा। शाबाश बेटा, तेरी परीक्षा है आज। तो फिर जाऊं? हाँ, नहीं आई नहीं। गाँव का नाम है क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, सुनो, आज रात तुम यहीं सो जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे गाँव छोड़ आऊंगा, ठीक है ना? हाँ।
अब सो जाओ। तुम सो। मैं नहीं सोऊंगा, तुम सो जाओ। ए, मारो कर। आई 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 आई। ए, हट। बेटा बड़ी बकवास कर रहे थे, अब बड़े आराम कर रहे हो, चलो उठो। तेरे की बेवकूफ ने सपना तोड़ दिया। अबे आज शुक्रवार है, तुम्हें नहीं मारूंगा, जा। हिम्मत है तो उठ के लड़, वरना हार मान ले अपनी। उठ। अबे ओ क्या है, पिस्तौल की धमकी देता हूँ। रतन चलो इन लोगों का पीछा करें, चलो। चार कहूं तो चार, पांच कहूं तो पांच। सोना कहां है? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, प्राण ले लो तो भी नहीं। सचमुच मार डालूंगा, देखो खुद ही बता दो, बता दो। आखिरी बात पूछूं हम तुमसे, नहीं तो तुम्हारा ये बेटा। बता दो, मैं कैसे नहीं बता दो, नहीं तो ये मेरे बेटे को मार देंगे। घबराओ नहीं, तुम चली जाओ, नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे? उधर ले जाके मार डालो दोनों। कर दो कुत्ते कमीने, कर दो। बच्चे को मार डाला गंगा। ए गंगू, तुम आदमी नहीं हो, राक्षस हो। आमोश
गंगू से उलझना कोई खेल नहीं है। अब भी बता दो कहां है सोना? कभी नहीं। कभी नहीं बताओगे? नहीं। ये गंगू चार कहे तो पाँच चार कहे तो पाँच। ओ तू है? ओ तू आ गई, माँ के पास जाएगी? अभी भेजता हूँ माँ के पास, अभी भेजता हूँ माँ के पास। बस अब चली जाओ माँ के पास। समझी? आई ना खुद ही मजनू के पास। मैं चार कहूं तो चार, पांच कहूं तो पांच।
कर दो चार। तुमने देवी जैसी औरत को मारा था, तुम्हारी रोकथाम ना होती तो तुम संसार में तबाही भी मचा सकते थे, कमीने। मैं उधर से आता हूं। अच्छी बात। हम ना मेरे हाँ साथ मेरे हाँ डर ना किसी का मुझे।
कहो तुम्हारा गांव बेटिया कैसे? ये लोग खामखा मेरे पीछे पड़ गए, बचने के लिए मैं यहाँ चली आई। मैं तो अपने रास्ते जा रही थी बाबा। इसीलिए तो इनको ये सब सबक मिला। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया क्यों, तूने अपने नाच से हमारे देवता को नहीं प्रसन्न किया। बेटी तुम चाहो तो हमारे गाँव में रह सकती हो। जी नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है। अच्छा। नमस्ते गुरुदेव। हाँ? लड़की जरूर अच्छे घर की बच्ची है, पार कर दे। कंगू मरा पड़ा है। मैं समझता हूं नीलू का काम है, भीगू की तरफ गई होगी। बाहर बोल नहीं देखा, काम बंद है जी। तफरी के लिए नहीं आई हूँ। तो किस लिए आई हो? सुन, मैं तेरे मालिक का खून करने आई। मां महाराज भी कुछ नहीं कर पाती, तू तो छोकरी है तेरी कौन। ए बकवास मत करो, कहा है भीकू? ये मालूम करना तो भीकू नाम की बात है। ये कम है। अब भी अगर नहीं बताओगे तो पैसे नहीं तुम गोलियां गिनोगे। कहाँ है? मर मत बताता हूँ। यहाँ से कुछ मील दूर लाल और काली इन दोनों पहाड़ियों के बीच सीमापुर में। सीमा? एक कमरा चाहिए। कोई खाली नहीं। नहीं है तो करवा दो। कोई जबरदस्ती है? बोला ना खाली नहीं। नहीं है। अब ये खाली है। अरे इसमें आदमी है। अब इसके बाद कोई नहीं रहेगा। क्या बात है, क्या है, क्या हुआ? भैया, क्या हुआ? बे भैया वो लड़की है, बिजली है, बिजली है, मेरा हिसाब कर दो। मैं जाता हूँ। हाँ जानू। नहीं भाई, अरे मैं चुप और तुम बढ़ती जा रही हो, भागो यहाँ से। अब तो तेरी जान लेकर ही जाऊंगी यहाँ से। कहाँ है भीकू? भीकू कौन? दादा। समझ गए ना बात? जा भी कुछ से कौन नील मिलने आई उससे? काम पूछो तो उसे मौत के घाट उतारना है मुझे। हाँ
आइए। मौत की तलाश में आई हो? जरूर, लेकिन तलाश तेरी मौत की है। अच्छा, लेकिन क्यों? इसलिए कि तुम धरती का बोझ हो। साफ क्यों नहीं कहती कि माँ का बदला लेना है? हाँ, तुमसे माँ का बदला लेने आई हूँ। उठो, तैयार हो जाओ। अच्छा, वाह वाह। कान खोल कर सुन ले फुलझड़ी, अब यहाँ से जा नहीं सकेगी तू। ले, ये ले कुत्ते। काली मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च। दो अंडे, अंडे सुना नहीं? दो कहे हैं, दो।
तुम हो? लो मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुप क्यों है ऐ सजना, मैं तेरी हूँ सजना।
ठिकाना तरसाना तरसाना आ कैसा है ये हम साथ तेरे हम दोनों देख कहां मैं हूं यहां मैं पी ले मुझको पिला सरसौदा ये दिल का मन तेरा तन तेरा हा लोग बिल्कुल राक्षस हैं। राखा नाम का बदमाश इन लोगों का उस्ताद है। हमेशा लूटमार करते रहते हैं। मगर ये लोग आते कहाँ से? यहाँ से कुछ मील दूर एक पहाड़ी है। हाँ। वही रहते हैं। रतन, चल बेटा इन लोगों से वहीं निकल। चलो। बड़ा दुश्मन और हमारे कामों में रुकावट बनने वाला अमर यही है सरदार। शाबाश, मैं निपटता हूं कमीने।
सरदार, पहले मेरा चांस। शुरू हो जा। जानते हो किस लिए? जानता हूँ। उस दिन औरत जान कर जिंदा छोड़ दिया था ना तुम्हें मैंने, इसलिए तुम इस राका की पालतू बिल्ली हो। अगर ये खबर होती मुझे तो कभी ना छोड़ता जिंदा मैं। नीच और कमीने लोगों पर उपकार का हमेशा यही परिणाम निकलता है। कमीने! रजनी, मैं लूंगा बदला तुम्हारी जिल्लत का। मैं इस नीच को कुत्ते से ज्यादा बुरी मौत मारूंगा। मजा आ जाएगा बेटे को। बड़ी धूम से जनाजा निकालूंगा। ले जाओ इसको, इसको भी। चलो चलो, तुम्हें राका सरदार ने अड्डे पर बुलाया है। ओ, मुझे बुलाया है राका ने? मगर क्यों? ये वही पता चलेगा। उठाया सरदार। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा के हिसाब से तुम्हें कोई भयंकर औरत होना चाहिए था। लेकिन तुम्हें देखकर तो दया सी आती है, न जाने क्यों। लड़कियों के लिए यह भारी प्रतिज्ञा है। मैं लड़की नहीं हूं, मैं बिजली हूँ, बिजली। अपने सामने चहकने की दाद देता हूँ मैं, लेकिन ये कसम खाकर तुमने मौत खरीदी है। क्यों ये कसम खाई तुमने? क्योंकि तूने देवी को मारा है, इसलिए तुम्हें मारना मेरा फर्ज बनता है। क्यों ठीक, जब मौत आती है तो पर निकलाते हैं उसके। देखूंगी तुम मुझे मारते हो या मैं तुम्हें। इसका फैसला अभी होता है। ले जाओ, बांध दो इसको भी उन दोनों के साथ। शाबाश बेटा, तुम्हारे दुश्मनों को जलाने वाली आग है, जरा प्यार से भड़काओ। अमर, बहुत दिनों से तुम्हारी मौत देखने की ख्वाहिश हो रही थी, आज ये ख्वाहिश पूरी हुई। तुम्हें इस आग में जलते देखकर मेरे दिल में कितनी खुशी हो रही होगी, ये तुम मेरे दिल से पूछो बेटे। राका, तुम मुझे मारकर भी कोई बड़े तीस मारखा नहीं बन जाओगे, समझे? भलाई का गला घोटने वाले को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। याद रखो कमीने, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। नीलू, ये तुम्हारी प्रतिज्ञा ही अब इस आग में झोंकेगी तुम्हें। जब तुम इस आग में चलोगी तो मेरा कलेजा ठंडा होगा। राका, तुम मुझको जलाकर सच्चाई कभी नहीं मिटा सकते हो। सच्चाई में वो ताकत है जो जड़ से उखाड़ कर रख देगी तुम्हें। क्या बोला बे तूने, बिल्ली की औलाद? वक्त आने पर बिल्ली भी शेर होती है। देशी?
को भागने न पाए कमीना, मैं इधर से उसका रास्ता रोके रखता हूँ। तुम अड्डे पर जाकर खत्म कर दो कमीने को। सुनो सब लोग, दुश्मन आ पहुंचा है, तुम्हारा सरदार आज आखिरी लड़ाई लड़ेगा। मैं इन कमीनों की यहीं पर कब्र बना के रख दूंगा। चुप जाओ, जल्दी। Yeah!
करेगी जब तक तुम्हें मार नहीं डालूंगी दम नहीं लूंगी। शाबाश नीलू, आज संकल्प पूरा हुआ, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं। शाबाश। तुम जय हूं राका, जानते हो ये नीलू कौन है? कौन है? तेरा अपना खून। नीलू मेरा खून है। सुनो याद, उस रोज लक्ष्मी की इज्जत लूटी थी ना, उसी पाप का फल है। तुम दोनों की बेटी ये नीलू। बाबा, बताओ बाबा, बताओ, राखा की बेटी हो क्या? बताओ बाबा, बताओ। हाँ बेटी, हाँ बेटी, राखा ही पिता है तेरा। नीलू, बेटी, नीलू, बेटी, नीलू, तू क्या मेरी बेटी है? तो क्या मैं अपनी बेटी की जिंदगी में जहर घोल पर आऊं बेटी? क्या भगवान भी मुझे माफ करेगा बेटी? जय नीलू, मेरी बेटी है, अगर मैं जानता तो इसको लाड से बाल पोस कर लक्ष्मी के साथ ये न्याय घबराश जंग कर लेता मैं। जय मुझे माफ कर दे। नीलू, बेटी, नीलू, एक ख्वाहिश आखिर में पूरी करते मेरी बेटी। हाँ मेरी बेटी, आप कह दे मुझे एक बार, आत्मा को मेरी बहुत शांति। कहती हो पापा? बेटी, बेटी, बेटी।